मस्तूज से शंदूर जाते हुए दो खूबसूरत गांव और सेंटर में दरिया और उसमें बना हुआ पुल, क्या बात है मेरे खूबसूरत पाकिस्तान की। शंदूर टॉप, शंदूर पास या दर्रा शंदूर, ये सब एक ही जगह के नाम हैं। शंदूर टॉप 12,200 फुट की बुलंदी पर एक ऐसा मकाम है जहां तीन चीज़ें काबिले ज़िक्र हैं। पहले नंबर पे आता है शंदूर पोलो ग्राउंड, जो कि दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कहलाता है। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ फ्री स्टाइल पोलो खेली जाती है, जो दुनिया में कहीं और नहीं खेली जाती। इसलिए इसे देखने के लिए दुनिया भर से पोलो के शायकीन और सियाह शंदूर का रुख करते हैं। शंदूर में पोलो फेस्टिवल हर साल जुलाई में मनाया जाता है। शंदूर टॉप गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की सरहदों को मिलाता है। शंदूर पोलो ग्राउंड के साथ दूसरी चीज़ शंदूर लेक है। ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है। झील का एक हिस्सा हमवार है, इसलिए इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। शंदूर पास पर तीसरी काबिले ज़िक्र चीज़ वो है शंदूर मैडोस या शंदूर चरागा। ये दुनिया के छत पर इंतहाई खूबसूरत ग्रासी लैंड है, जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाने वाले जानवर याक की चरागा भी कहलाता है। शंदूर जाने के लिए अगर आप अपना सफ़र इस्लामाबाद से स्टार्ट करते हैं तो पहला हिस्सा इस्लामाबाद से चतराल शहर का है, जिसके लिए 10 घंटे से 15 घंटे दरकार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आसानी से मिल जाती है और अपनी गाड़ी पर भी जा सकते हैं। चतराल शहर तक हर तरह की गाड़ी जा सकती है। चतराल शहर में एक दिन का स्टे रिकमेंडेड है। दूसरे दिन चतराल से बूनी का सफ़र है। नॉर्मल गाड़ी भी किसी न किसी तरह चली जाती है, मगर बेहतर ये है कि फोर व्हील ड्राइव गाड़ी इस्तेमाल की जाए। रास्ते में खूबसूरत लैंडस्केप है, जिसमें खूबसूरत आबशारें भी दिखाई देती हैं, जिनमें गोलन गोल पावर प्रोजेक्ट के साथ गोलन गोल आबशार काबिले ज़िक्र है। चित्राल से बोनी तक का सफ़र तकरीबन 95 किलोमीटर है, 95 किलोमीटर, और अगर आप रास्ते में कुछ जगहों का नज़ारा करने के लिए रुकते हैं तो 5-6 घंटे दरकार हो सके, और अगर रुके बगैर जाते हैं तो तकरीबन 3 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। बोनी वैली एक खूबसूरत वादी है, यहाँ नाइट स्टे किया जा सकता है। नाइट स्टे के लिए मुनासिब रेट्स पर होटल्स दस्तियाब हैं। बाज़ औक़ात शाम को बूनी पोलो ग्राउंड में लोकल खिलाड़ियों का पोलो मैच भी देखा जा सकता है। तीसरे दिन बूनी से मस्तूज का सफ़र है, तकरीबन 35 किलोमीटर है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने ये सफ़र 2 घंटे में भी तय किया है, और मौसम और रास्ता साफ ना होने की वजह से 5 घंटे भी लग गए। मस्तूज पहुंचने के बाद बेहतर है कि नाइट स्टे वहीं किया जाए। रूम्स होटल में, होटल रूम्स नाइट स्टे के लिए होटल रूम्स 1,000 से लेके 20,000 तक के मिल जाते हैं। ऊंचे पहाड़ों के दरमियान लश ग्रीन मस्तूज वैली देखने के काबिल है। मस्तूज से शंदूर का सफ़र 42 किलोमीटर है। मुकम्मल जीप ट्रैक है और कुछ जगह रास्ते में इंतहाई ख़तरनाक हैं। फिर आफ्टरनून बाज़ औक़ात ग्लेशियर का पानी रास्ते को मुकम्मल बंद कर देता है, और इस तरह 2 घंटे का सफ़र कई घंटों तक चला जाता है। शंदूर टॉप पे पहुंचने के बाद प्रॉपर होटलिंग नहीं है, यहाँ टेंट्स वगैरह में रात गुजारी जा सकती है। अगर तो समर में आप जाते हैं तो
तो ये काम कदरे आसानी से किया जा सकता है, जबकि विंटर में मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है। संदूर टाप से वापसी या तो बरास्ता चतराल की जा सकती है या फिर बरास्ता गिलगित। वापसी भी अगर आप आराम से और इंजॉय करते हुए आना चाहते हैं तो उतना ही वक्त दरकार है जितना जाते हुए। इस तरह आप खूबसूरत सफर की यादों को समेट सकते हैं। मेरा रब हमेशा मेरे खूबसूरत पाकिस्तान को अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें।